राजपावली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले लश्करी बाग संभाग से चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो बड़ी डकैती की फिराक में थे। उनके पास से संदिग्ध सामान प्राप्त हुआ है। वहीं एक अपराधी मौके से फरार है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल 6 दिसंबर की रात पाचपावली पुलिस का डीबी दस्ता गश्त कर रहा था। उसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि लश्करी बाग स्थित रेल पटरी के पास पांच लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास संदिग्ध वस्तुएं मौजूद है। जानकारी के संज्ञान पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो आरोपी मोहम्मद तैसुफ 19 वर्षीय, सूरज उर्फ शनी कोची 36 वर्षीय, लकी मलिक 22 वर्षीय, राकेश झोड़ापे के पास से एक पिस्टल, स्टील की तलवार, स्टील का भाला, मिर्ची पाउडर आदि संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। घटनास्थल पर मौजूद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वही एक आरोपी मौके से फरार है, जिसके विषय में जानकारी दी पाचपावली के पुलिस निरीक्षक महेंद्र आंबोरे ने। दिनांक 6/12/2023 रोजी रात्री गस्त करत असताना डीबी पथक यांना गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की कलकत्ता रेल्वे लाईन लष्करी बाग येथील मोकळ्या जागेच्या अंधारात काही इसम हे दरोडा टाकण्याची तयारी करत आहे। अशी माहिती मिळाल्यावरून डीबी पथक व त्यांचा स्टाफ हे सदर ठिकाणी गेले व त्या ठिकाणी 4 ते 5 इसम हे हजर होते। त्यांना ताब्यात घेतलं व त्यांच्याजवळच्या वस्तू पण ताब्यात घेतल्या, तेव्हा त्यांच्याकडे एक लोखंडी, एक स्टीलची तलवार, एक स्टीलचा भाल्याचं पातं, एक मिरचीची पूड आणि एक रस्सी आणि एक लोखंडी पिस्टल इत्यादी मुद्देमाल त्यांच्याकडून मिळून आलेला आहे। सर्व मुद्देमाल आणि आरोपी असे आम्ही ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला आलो आणि त्यांच्यावर कलम 425 भारतीय हत्यार कायदा व कलम 399 402 भादवी, तसेच कलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।